जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए सोमवार की सोमवार छोड़ मत देना। एक लोटा पानी बिल्कुल मत छोड़, जपे जा, लगे जा, करे जा। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल, शिव जी को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा देख, क्योंकि शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए, और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को, भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे। वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया, ले लो, तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार। नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिवजी को चढ़ाओ, चढ़ाइए, मिल जाए कमल का फूल। जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है, कमल का पुष्प मिले मंगवा लिया, चढ़ा दिया सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ, 5-6 प्रदोष करके देखो, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, देखने में क्या जाए। ना सियोर वाला महाराज कहीं जा रही है, ना तुम कहीं जा रहे हो, आ जाना वापिस। आपके नजदीक में कोई शिवालय हो, वहाँ रोज दर्शन करने जाते हो, 5 माताएं जब आपस में मिल जाएं, 4 माताएं जब आपस में मिल जाएं, 2 माताएं जब आपस में मिल जाएं, एक बार नंदी के पास में बैठकर शिव जी की ओर मुख कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उच्च स्वर में, जैसे यहाँ बोलते हो वैसे वहाँ बोलकर, और अपने मन का बात, बाबा सब दुख काटो। एक दुख नहीं, यहां शब्द में कहा गया, बाबा सब दुख। अगर मैं कहूं कि मेरी तबीयत अच्छी कर दो, ये एक दुख है। मैं कहूं कि मेरे बेटे की जॉब लगा दो, ये एक दुख है। मेरे जीवन में ये कुछ कर दीजिए, एक दुख है। मेरे जीवन में जो तकलीफ है, बाबा सब दुख काटो। हम बाबा से ये प्रार्थना करें। आते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मतलब, बाबा मैं आपको नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। अरे होटल के बाहर भी कोई खड़ा होता है ना, तुमको सुलूट मारता है तो तुम्हारा मन कर जाता है, ले 50 रुपए ले। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? सर सर सर, जो सर सर करे ना तो तुम्हारा मन कर जाता है, 100 रुपए दे, 50 रुपए दे। अब जब तुम बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब बाबा को बार बार नमन प्रणाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बार बार प्रणाम करते हो, बाबा भी कहता है ले रे ले, इसका दुख काट दे, जा भजन कर, ले जा सुख अनुभव कर। शिव तत्व की प्राप्ति है उसमें, शंकर की प्राप्ति है उसमें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों हर हर महादेव, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से अच्छी उपाय के बारे में जानिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करें। इसी तरह बताए गए शिव महापुराण कथा के अंतर्गत उपायों के जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, घर घर महादेव।